अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल लर्न प्लेक्स। बिफोर वी स्टार्ट द वीडियो काइंडली सब्सक्राइब अवर चैनल एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन टू गेट नोटिफाइड अबाउट अवर न्यू वीडियोस। इससे पिछले वीडियोस हमने 2010 और 2009 के MCQs जो कि पास पेपर के हैं एक्सप्लेनेशन के साथ कंप्लीट किए थे चार पार्ट्स में, यानी एक ईयर के दो पार्ट। इसी साल में 2011 में भी हम इसी तरह कवर करेंगे, 15 MCQs एक पार्ट में और 15 MCQs दूसरे पार्ट में। काइंडली मेक श्योर द सब्सक्रिप्शन ऑफ योर चैनल। लेक्चर वन शुरू करते हैं हमारे 2011 बायोलॉजी के MCQs के। इंशाल्लाह बायोलॉजी के कवर कर लेंगे MCQs, तो फिर केमिस्ट्री की सीरीज़ बनाएंगे और उसके बाद फिज़िक्स की। तो सबसे पहला MCQs है हमारे पास, विच ऑफ़ द फॉलोइंग फंगस इज़ यूटिलाइज इन बेकिंग इंडस्ट्री। फर्स्ट ईयर का क्वेश्चन है, ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ए मशरूम, बी यीस्ट, सी ब्रेड मोल्ड, सी पेनिसिलियम, ई नियोमाइसिन। तो इसका आंसर है यीस्ट, जिसको हम उर्दू में खमीर भी कहते हैं। ये वाहिद यूनिसेल्युलर फंगजाय है। दूसरा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन ब्रायोफाइट्स। ए मॉसेस, बी क्लब मॉसेस, सी फर्न्स, डी सीड प्लांट्स, ई होस्टेल। अब ब्रायोफाइट क्या होते हैं? ब्रायोफाइट वो प्लांट्स होते हैं जो कि डैम सॉयल में तो ग्रो करते हैं, लेकिन इनके पास मेन चीज़, जो मेन फीचर होता है, इनके पास वेस्कुलर बंडल यानी जाइलम फ्लोएम वेसल्स नहीं होती। ब्रायोफाइट्स की अगर हम क्लासिफिकेशन पढ़ें जो हमारे हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ी थी, तो वो तीन, उसकी क्लासिफिकेशन जो है तीन ग्रुप्स में डिवाइड है ब्रायोफाइटा। ठीक है, तो पहला है हेपाटिकोप्सीडा, दूसरा है एंथोसेरोटोप्सीडा और तीसरा है ब्रायोप्सीडा। ठीक है, हेपाटिकोप्सीडा को हमने लिवरवर्ट्स का नाम दिया था अपने बुक में, एंथोसेरोटोप्सीडा को हॉर्नवर्ट्स का नाम दिया था और ब्रायोप्सीडा को हमने मॉसिस का नाम दिया था। तो ये डिफरेंट डिफरेंट नाम मैं इसलिए ले रहा हूँ ताकि डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट डिफरेंट नाम लिए गए हैं, हालांकि मतलब सेम है। तो हमारे एमकेट में कोई भी एमसीक्यूज आ सकता है किसी भी नाम से, तो जाके आप कंफ्यूज ना हो जाएं। तो हेपाटिकोप्सीडा लिवरवर्ट्स, जिसका एग्जांपल मार्केंशिया है, एंथोसेरोटोप्सीडा हॉर्नवर्ट्स, एंथोसेरोज इसका एग्जांपल है, और ब्रायोप्सीडा मॉसिस जिसका एग्जांपल है फ्यूनेरिया। फ्यूनेरिया को हम कॉर्ड मॉस भी कहते हैं। तो मॉसिस जो है वो ब्रायोफाइट्स में आता है, तो ऑप्शन ए करेक्ट है। थ्री स्पीशीज ऑफ प्लेटी हेलमिंथिस आर। फाइलम प्लेटी हेलमिंथिस की बात कर रहा है। ऑप्शन ए राउंड वर्म, बी फ्लेट वर्म, सी हुक वर्म, डी थ्रेड वर्म, ई पिन वर्म। ऑप्शन बी फ्लेट वर्म राइड है, डोर्सो वेंट्रली ये लोग जो ये एनिमल्स जो होते हैं, ये ऑर्गेनिजम्स, ये डोर्सो वेंट्रली चिपटे होते हैं बिल्कुल। राउंड वर्म्स अलग से एक फाइलम है, नेमाटोडा में आते हैं। हुकवर्म भी नेमाटोडा का है, थ्रेडवर्म भी नेमाटोडा का है, पिनवर्म भी नेमाटोडा का है। हुकवर्म को हम दूसरा नाम देते हैं एनकाइलोस्टोमा डूडिनल। ये 2010 या 2009 गालबन उस ईयर में आया हुआ है एनकाइलोस्टोमा डूडिनल के नाम से। तो हुकवर्म और एनकाइलोस्टोमा डूडिनल में कन्फ्यूज़ नहीं होना। चौथा ऑप्शन है, अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ इकाइनोडर्मेट्स इज ए केनाल सिस्टम, बी वाटर वेस्क्यूलर सिस्टम, सी ट्रेकियल सिस्टम, डी ब्लड वेस्क्यूलर सिस्टम, ई नन ऑफ द अबव। तो कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो है इनके पास वाटर वेस्क्यूलर सिस्टम होता है। फाइव लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस अकर्स इन ए स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट, बी गार्ड सेल ऑफ स्टोमाटा, सी थैलाकोइड मेम्ब्रेन्स ऑफ क्लोरोप्लास्ट, डी साइटोप्लाज्म ऑफ लीफ सेल, ई नन ऑफ द अबव। ठीक है, तो हमारे पास थैलाकोइड मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट में ये हमारा लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन होता है। थैलाकोइड मेम्ब्रेन के इनसाइड जो हिस्सा होता है उसे ल्यूमिन कहते हैं, और आउटसाइड द थैलाकोइड मेम्ब्रेन को हम स्ट्रोमा कहते हैं, जहां पर लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन होता है। यानी लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन जो होता है वो स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट में होता है, लेकिन लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन थैलाकोइड मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट में होता है। तो लाइट डिपेंडेंट के लिए ऑप्शन सी सही होगा, लेकिन अगर लाइट इंडिपेंडेंट आ जाता है तो स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट। छठा MCQs है, द एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। बायो एनर्जेटिक्स का चैप्टर है, बहुत मुश्किल चैप्टर है, लेकिन आप अगर सिंप्लीफाई नेमोनिक्स के ज़रिए पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। इन इसमें से MCQs बनते ही बनते रहते हैं, तो इसका ऑप्शन सी पायरोवेट सही है। सेवन जो है, द मैसिव अक्यूमुलेशन ऑफ ब्लड विद इन अ टिश्यू इज कॉल्ड, ए हेमरेज, बी हेमाटोमा, सी स्ट्रोक, डी अटैक, ई इन्फेक्शन। एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, आप पांचों के बारे में जानते होंगे। तो ऑप्शन बी हेमाटोमा इज़ द करेक्ट आंसर। एट मालफीजन ट्यूबुल्स आर इन्वॉल्व्ड इन एक्सक्रिएशन इन, ए कॉकरोच, बी अर्थवर्म, सी ह्यूमन, डी प्लेनेरिया, ई हाइड्रा।
अब मालपिजन ट्यूब्यूल्स जो होते हैं वो होते हैं कॉकरोच में, ये ऑप्शन करेक्ट है। लेकिन बकाया भी हम मैं बता देता हूँ ताकि आपको अगर चेंज आ जाता है तो कन्फ्यूजन ना हो। अर्थवर्म के अंदर हमारे पास जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है नेफ्रीडिया होता है, लेकिन ये बात याद रहे कि अर्थवर्म के जो सेगमेंट्स में ये जो डिवाइडेड होते हैं सिस्टम्स, उसके पहले 3 सेगमेंट में नेफ्रीडिया नहीं पाया जाता। जबकि ह्यूमन की बात करें तो किडनी एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, और प्लेनेरिया की बात करें जो कि फ्लेम सेल्स हैं, हाइड्रा की बात करें तो उसके अंदर कोई एज सच मेन ऑर्गन नहीं है, बॉडी सरफेस के ज़रिए होती है डिफ्यूजन के प्रोसेस के ज़रिए। तो 9 है ग्रोथ मोमेंट कॉज्ड इन रिस्पॉन्स टू ग्रेविटेशनल स्टिमुलस। जब भी ग्रेविटी का जिक्र आता है तो हमारे दिमाग में जियो का लफ्ज़ लाजमी आता है, तो ऑप्शन बी जियोट्रोपिज्म इज़ द राइट आंसर। ए अ साइकोलॉजिकल कंडीशन यूजली सीन इन गर्ल्स एंड यंग वुमेन विद लोस एपिटाइट इज ए ओबेसिटी, बी मैल न्यूट्रिशन, सी एनोरेक्सिया नर्वोसा, डी डिस्पेप्सिया, ई पेप्टिक अल्सर। तो इसका ऑप्शन है सी एनोरेक्सिया नर्वोसा, जिसमें एपीटाइट खाना खाना कम हो जाता है मोस्टली यंग गर्ल्स का जो कि डाइट कर रही होती हैं, तो इसके अंदर हमारे पास बहुत सारी न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है। लेकिन अगर खाना खाने की चाह बढ़ जाए, लिमिट से ज़्यादा बंदा खाए, तो उस बीमारी को हम बुलिमिया नर्वोसा, यानी खाना खाने की एपीटाइट की ईगर हो जाए हमारे पास, तो उसको बुलिमिया नर्वोसा कहते हैं। 11 एच बी हीमोग्लोबिन कैरीज मोर ऑक्सीजन देन प्लाज्मा बाय A50 टाइम, B20 टाइम, C70 टाइम, D100 टाइम, E200 टाइम्स। तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर, 70 टाइम्स। 12 बोन्स ऑफ स्कल आर ज्वाइंट बाय ए फिक्स ज्वाइंट, बी स्लाइडिंग ज्वाइंट, सी पाइवट ज्वाइंट, डी हिंग ज्वाइंट, ई ग्लाइडिंग ज्वाइंट। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, फिक्स्ड ज्वाइंट, या फिर इमूवेबल ज्वाइंट भी आ जाए तो कन्फ्यूज़ नहीं होना। 13 साइटोप्लाज्मिक लोकलाइजेशन इज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ, इज अ रिजल्ट ऑफ ए फर्टिलाइजेशन, बी क्लीवेज, सी मोरूला, डी ब्लास्टूला, ई गैस्ट्रूला। कौन सी स्टेज में होता है, ये चिक डेवलपमेंट के टॉपिक से है, 5वां चैप्टर सेकेंड ईयर का बायोलॉजी का। तो ये क्लीवेज में साइटोप्लाज्मिक लोकलाइजेशन होती है, और एक जो ले होता है वो ब्लास्टूला स्टेज में ले होता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं इसलिए बताता जा रहा हूँ ताकि अगर चेंज आ जाए तो आपको याद रहे। 14 हाईली कंडेंस्ड पोर्शन ऑफ द क्रोमेटिन इज कॉल्ड ए यू क्रोमेटिन, बी हाइड्रोक्रोमेटिन, सी न्यूक्लियोसोम, डी सुपर क्वाइल्स, इन नन ऑफ दीज। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर, हेट्रोक्रोमेटिन, जो कि डार्क कलर का विजिबल होता है, और प्रोफेस में जो कंडेंसेशन होती है क्रोमेटिन मटेरियल की वो हाइड्रोक्रोमेटिन की नहीं होती, क्योंकि ये पहले ही कंडेंस होता है। 15वां MCQ, द डिजीज इन विच अ पेशेंट पास यूरिन दैट रैपिडली टर्न्स ब्लैक ऑन एक्सपोजर टू एयर इज कॉल्ड ए फिनाइल किटोनूरिया, बी अल्केप्टोनूरिया, सी सिकल सेल एनीमिया, डी हीमोफिलिया, ई अनूरिया। ठीक है, फिनाइल किटोनूरिया का अगर मैं डिटेल बताऊं तो फिनाइल किटोनूरिया का जो काज है हमारे पास वो PAH जीन है, उसके अंदर अगर डिफेक्ट आ जाता है तो हमारे पास फिनाइल किटोनूरिया बीमारी हो जाती है। इसमें होता ये है कि क्रिएशन नहीं हो पाती, अनेबल टू क्रिएट, दैट्स बॉडी इज अनेबल टू क्रिएट फिनाइल अलानाइन हाइड्रो ऑक्साइलेस। ये एक एंजाइम है फिनाइल अलानाइन हाइड्रो ऑक्साइलेस, जो प्रोड्यूस नहीं हो पाता, जिसका काम क्या होता है, अमाइनो एसिड जो फिनाइल अलानाइन है उसको ब्रेक डाउन कर रहा होता है। जब जो ब्रेक डाउन नहीं हो रहा होता तो ये बीमारी पैदा हो जाती है। सेकंड है हमारे पास अल्केप्टोनूरिया, जो कि बताया गया है यूरिन जो है एक्सपोजर टू एयर के बाद ब्लैक हो जाता है, तो ये बीमारी का ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है बी अल्केप्टोनूरिया। सिकल सेल एनीमिया, आप सबको पता है सिकल सेल शेप्ड हो जाते हैं, RBC में मसला होता है। हीमोफिलिया भी पता है, ब्लड क्लॉट नहीं हो पाता। ई एनूरिया, एनूरिया भी मैं एक्सप्लेन कर लूँ, शायद नया लफ्ज़ है आप लोगों के लिए। एनूरिया जो है किडनी जो होती है वो यूरिन पास नहीं कर पाती, यानी जो उसकी एक लिमिट है यूरिन फिल्टर आउट करके यूरिन बनाने की, उससे कम करती है, तो यूरिन इतना नहीं आता। मैक्सिमम जो है हमारे पास एक एवरेज ली जाती है 100 मिलीलीटर पर डे, नॉर्मल से कम एवरेज लिया जाए तो 100 मिलीलीटर पर डे, तो उससे भी कम यूरिन आता है, तो उस बीमारी को एनोरिया कहते हैं। तो ये 15 MCQs थे जो हमने आज कवर किए बिल्कुल डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ, उम्मीद के समझ आया होगा। अगर आपको फिर भी कोई क्वेश्चन है या इसके अलावा कोई क्वेश्चन है तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें, नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, और अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में भी हमसे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, ख्याल रखिएगा।